हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं आज किस बारे में वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो या गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर ले। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। एंड अगर वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ। सो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी लोगों को होती है, किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है, पर सभी को ऑलमोस्ट होती ही है। बट सभी के रीजंस अलग होते हैं। डार्क सर्कल्स होने के कोई एक रीजन नहीं होते हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं। सो फर्स्ट रीजन है, वो है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, अगर आप टेंशन में ज्यादा रहते हो, सो इस वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो सबसे पहले आपके फेस पे दिखते हैं। सो डार्क सर्कल्स भी उनमें से एक है। सो नेक्स्ट रीजन है कि अगर आप ज्यादा फोन, लैपटॉप ये सब यूज करते हो, तो इस वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स होते हैं। एंड जो नेक्स्ट रीजन है वो है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, अगर आप प्रॉपर टाइम पे नहीं सोते हो, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो 6 to 7 hours का, तो इस वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ये मेन रीजन होता है डार्क सर्कल्स होने के। अगर आप किसी भी वजह से अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो कोशिश करो कि थोड़ा सा अपने काम को कम करो और नींद पे थोड़ा फोकस करो। सो अगर आप इन चीज़ों पे भी फोकस करते हो, तो आपके डार्क सर्कल्स रिड्यूस हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी। हमें 1/2 स्पून कॉफ़ी लेना है। देन हम इसमें ऐड करेंगे हनी। 1/2 टीस्पून हमें हनी लेना है। एंड देन हमें लेना है एलोवेरा जेल। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड एक पेस्ट जैसा बना लेंगे हम इसे, ताकि अच्छे से हम इसे अप्लाई कर पाएं। आप देख सकते हो ये थोड़ा पेस्ट जैसा बन गया है। अब इसे आपको अपने अंडर आइज एरिया पे अप्लाई कर लेना है इस तरह से। आप चाहो तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास ब्रश नहीं है, तो मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। एंड फिंगर की हेल्प से भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। एंड जो कॉफ़ी है गाइस, वो बहुत ही इंस्टेंट वर्क करता है, ट्रस्ट मी, बहुत ही इंस्टेंट वर्क करता है। तो आप को कोई भी चीज़, कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक कॉफ़ी यूज़ करोगे ना, तो आपका उसका रिज़ल्ट आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसा वर्क करता है कॉफ़ी। इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। एंड देन इसे हम 10 मिनट के लिए रहने देंगे। देन आप देख सकते हो ये हल्का हल्का सूख चुका है ऑलमोस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिया है, ये कॉटन का एक कपड़ा था, मैंने वो लिया है। आप चाहो तो इसे धो सकते हो, पर धोने के बाद बहुत ज़्यादा वो फैल जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कॉटन के कपड़े की हेल्प से मैं इसे क्लीन कर लूँ। एंड देख सकते हो कितना जल्दी क्लीन हो गया, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसे क्लीन करने में। इसे मैं अच्छे से कर लूँगी। आप देख सकते हो क्लीन हो चुका है। देन मैं एक टॉल से इसे पैड ड्राई भी कर लूँगी, क्योंकि जो हमारा वो कॉटन का क्लोथ था वो वेट था। देन मैंने यह जीवी का सीरम लिया है एंड इसे मैं अपने अंडर आइज पे अप्लाई कर लूँगी। इससे हमारा अंडर आइज अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगा। एंड आपको अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसे अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करना है। आप देख सकते हो अभी मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ अपने अंडर आइज एरियाज पे।
एंड अब मैं अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से मसाज करूँगी। सो मसाज आपको डेली नाइट में ऐसे भी करना चाहिए, इससे बहुत हेल्प मिलता है। एंड आप वीक में 2 टाइम्स ये रेमेडी भी अप्लाई कर सकते हो। सो कॉफ़ी बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है, आप ज़रूर ट्राई करें। आप अपनी इसके इसे अपनी स्किन पे भी ट्राई कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।